तो भैया मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में जो बिग बैश का आज का 17वां मैच खेला जाएगा, पता है कहाँ पे खेला जाएगा? डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में। आपको तो आप बोलोगे भैया हाँ मेरे को पता है डॉकलैंड में खेला जाएगा, तू क्या नया बता रहा है? तो भैया मैं नया ये बताऊंगा, डॉकलैंड के मैदान पे कौन से बल्लेबाज चलने वाला है, कौन सा बल्लेबाज हो जाएगा फ्लॉप, कौन सा गेंदबाज विकेट लेगा, कौन सी गेंदबाजों की होगी पिटाई, पता है इससे क्या होगा? अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा अच्छा ये बल्लेबाज रन बनाएगा, वो गेंदबाज विकेट निकालेगा और कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप होंगे, तो फैंटेसी क्रिकेट की जो विनिंग टीम है उसे बनाने में आसानी होगी। हाँ भाई बिल्कुल आसानी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको करना है ये भी आपको भाई बताएगा, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम भी तो बना कर देगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड की पॉसिबल प्लेइंग इलेवंस क्या होगी। देखो भाई साहब एरोन फिंच अवेलेबल होंगे तो आज का मैच खेलेंगे, नहीं अवेलेबल होंगे तो आई थिंक सेम प्लेइंग इलेवंस के साथ निक मैट से जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो मुझे लगता नहीं है कि जो एडिलेड के कप्तान हैं मैथ्यू शॉट वो आज के मैच में कोई चेंज करेंगे, सेम प्लेइंग इलेवंस के साथ जाएंगे। थोड़ा सा पीछे से शोर आ रहा होगा, शोर इसलिए आ रहा होगा कि वो अपना काम कर रहे हैं, घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दोनों का काम जरूरी है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो कितना भी शोर हो हमारे आपके जो बीच के गैप को है ना वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जब दिल से दिल मिलते हैं तो बात अलग ही होती है। बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फाइनल प्लेइंग इलेवंस के लिए। अब बोलोगे भाई साहब ये गलत बात है, ऐसे मत बोला करो, सिर्फ प्लेइंग इलेवंस के लिए कौन टेलीग्राम ज्वाइन करता है? तो कोई बात नहीं, आपको इस मैच की ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम भी तो मिलेगी कहाँ पे? टेलीग्राम पे, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन, तो अब तो ज्वाइन करोगे तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है अफसर बिन फंटेसी के नाम पे मेरा टेलीग्राम है, ज्वाइन करके आ जाओ अगर आपको सभी मैचों की ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डॉकलैंड स्टेडियम के बारे में। तो इस मैदान पे अभी तक 61 डोमेस्टिक के मैच खेले गए, जिसमें से 28 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 33 मैच में टारगेट चेज हुआ। थोड़ा सा चेज ज्यादा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंड बिल्कुल भी ना होता है। अगर 33 में टारगेट चेज हुआ तो 28 में डिफेंड भी हुआ, तो चाहे पहले बल्लेबाजी करो बाद में बल्लेबाजी करो, लगभग यहां का जो पिच रहता है वो एक जैसा रहता है। एवरेज स्कोर 160 रन, मतलब मीडियम स्कोरिंग मैच होता है, तो गेंदबाजों बल्लेबाजों के लिए बैलेंसिंग पिच है, तो बैलेंसिंग तरीके से टीम भी बनानी पड़ेगी आज की, किसको रखना किसको नहीं रखना वो आगे बताऊंगा मैं। इस मैदान का जो हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट इनिंग का 222 रन, जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स के नाम पर है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 57 ऑल आउट, ये भी मेलबर्न रेनेगेड्स के ही नाम पर है। अगर हम यहाँ के मैदान पे हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें तो 222 रन, जिसे हॉबार्ट हरिकेन्स ने मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने किया था। लोएस्ट टोटल डिफेंड की बात करें 132, 132 रन जिसे सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने किया था। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे फर्स्ट इनिंग में 16 बार स्कोर बन चुका है, 150 से 169 के बीच में 23 टाइम स्कोर बन चुका है, 170 से 189 के बीच में 15 बार स्कोर बन चुका है, 190 या इससे ज़्यादा फर्स्ट इनिंग में 7 टाइम स्कोर बन चुका है। तो स्कोरिंग पैटर्न देखने के बाद क्या लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो मैच हुए वो मीडियम स्कोरिंग या फिर लो स्कोरिंग हुए हैं, हाई स्कोरिंग बहुत कम हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें 61 मैच में 7-8 मैच सिर्फ हाई स्कोरिंग हुए हैं, तो बाबू साहब इसका चक्कर क्या है? इसका चक्कर यह है कि यहाँ का जो सरफेस है वो ग्रोस है। जब ग्रोस सरफेस होता है तो क्या होता है, जो तेज गेंदबाज होते हैं ना, जो उनकी बॉल होती है न्यू बॉल से ना सीम के साथ स्विंग करती है, एक्स्ट्रा बाउंस भी करता है, तो शुरू में बल्लेबाजी करना 4-5 ओवर थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बाउंड्री लेंथ की बात करें तो यहाँ की जो बाउंड्री लेंथ है ना वो भी थोड़ा सा मीडियम है। मीडियम क्या, मैं थोड़ा सा बड़ी ही कहूंगा, सरफेस ग्रोस बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी, तो क्या होता है चौके छक्के उतनी ज़्यादा आसानी से नहीं लगते। जब चौके छक्के आसानी से नहीं लगेंगे तेज गेंदबाजों को जो पिच है वो हेल्प करेगा, तो जो मैच होता है ना वो थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग या फिर लो स्कोरिंग होता है, क्योंकि तेज गेंदबाजों से विकेट मिल जाते हैं गिर जाते हैं। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, करता है मुक्का सुक्का मार दूँ, लेकिन क्या करें काम है, अब ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। तो यहाँ की पिच पे कौन से प्लेयर बढ़िया होने वाले हैं? सबसे पहले जो तेज़ गेंदबाज अच्छा खासा स्विंग करवाते हैं ना, उन तेज़ गेंदबाजों को अपनी टीम में जगह जरूर दें। बल्लेबाजों की बात करें जो स्विंग के सामने फंसते हैं, वैसे बल्लेबाजों को जगह नहीं देनी, लेकिन जो स्विंग के थोड़ा सा संभाल के खेलते हैं वैसे बल्लेबाजों को जगह दे सकते हैं। यहाँ की पिच पे जो चौथे और पांचवे नंबर के बल्लेबाज है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। बाकी जो ऑलराउंडर की कहानी होती है ना उनको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, जो स्पिनर्स गेंदबाज होते हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ रखना है। ऐसा करते हैं एक एक प्लेयर के बारे में जानते हैं, फिर आपको मजा भी आएगा और अच्छे से
समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जोए क्लार्क की, जिन्होंने आखिरी के 10 मैच में 226 रन बनाए। आखिरी के 10 मैच 226 रन, मतलब 226 ठीक ठाक होता है ना जी, ओपनर के लिए बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं होता। 169 169 रन बना चुके हैं इससे पहले एडिलेड स्ट्राइकर्स के सामने, जो कि ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते। डॉगलैंड के मैदान पे 3 मैच खेला, 83-83 रन बनाए, तो मतलब डॉगलैंड के भी मैदान पे जो जोए क्लार्क है ना, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं है। वेस अगर ब्रेंडन रिकर्ड एंड जेम्स बैजली के सामने थोड़ा सा जोए क्लार्क फंसते भी हैं, मुझे लगता है आज की भी मैच में ना जो जोए क्लार्क है नहीं चलेंगे, 2-4-5-10 रन बना के निपट जाएंगे हमेशा की तरह। अगर खेलते हैं तो स्लो मोशन में खेलेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स आपको नहीं देंगे, तो जोए क्लार्क को अपनी टीम में जगह आज के मैच में नहीं देनी चाहिए। बाकी अगर हम यहां पे क्विंटन डिकॉक की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 260 बनाए, 10 मैच 260 क्विंटन डिकॉक के हिसाब से कम लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल भी कम है। डॉगलैंड के मैदान पे जो पिछला एक मैच खेला था उस मैच में भी 0 पे निपट गया था, लेकिन आपको पता है ना डिकॉक बड़ा प्लेयर है, जब ये चलते हैं तो मैच को एक तरफा करते हैं, और मुझे लगता है आज के मैच में एक तरफा करेंगे। एक तरफा करने का मतलब क्या है, डिकॉक चलेंगे 70-80 की पारी खेल सकते हैं, साथ में विकेट कीपिंग करते हैं, तो वहां से आपको बढ़िया पॉइंट्स देने वाले हैं। तो क्विंटन डिकॉक को टीम में रख लो भाई साहब, और रखने के साथ साथ पता है क्या करना है, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करना है, किसको, क्विंटन डिकॉक को। जैक फ्रेजर मैकगर्की की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 239 रन बनाए, जो अभी तक 4 मैच खेले, पहले 2 मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, अगले 2 मैच में जैक फ्रेजर मैकगर्क फ्लॉप हो गए। 4 मैच खेले एडिलेड के सामने 51 रन बनाए, तो मतलब एडिलेड के सामने जो इनका रिकॉर्ड है ना वो काफी ज्यादा खराब है, किसका, जैक फ्रेजर मैकगर्क का। डॉगलैंड स्टेडियम में 10 मैच खेला 208 रन बनाए, 10 मैच 208 रन, मतलब डॉगलैंड स्टेडियम में भी जो इनकी परफॉर्मेंस होती है ना वो कुछ खास नहीं होती, फ्लॉप रहते हैं। बेन मेनांतियन कैमरून बॉयज के सामने जैक फ्रेजर मैकगर्क फंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना इनको रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, पहले 2 मैच में चले, अगले 2 मैच में फ्लॉप हो गए, और मुझे लगता है अगले 2 मैच में फिर से बढ़िया पारी खेलेंगे, तो आज के मैच में बहुत लंबी पारी नहीं लेकिन 40-60 के बीच में ना ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले हैं, कौन, जैक फ्रेजर मैकगर्क। तो जैक फ्रेजर मैकगर्क को, इस नए लौंडे को अपनी टीम में जगह जरूर दें। बाकी अगर हम यहां पे निक मैटसन की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 197 रन बनाए, 2 विकेट निकाला, लगातार सभी मैचों में निक मैटसन फ्लॉप हो रहे हैं, देख लो ना आपको पता भी होगा। 177 बना चुके एडिलेड के सामने, इससे पहले 4 विकेट भी ले चुके, तो एडिलेड के भी सामने निक मैटसन की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास वास नहीं है। 20 मैच खेला है डॉगलैंड के मैदान पे, 428 रन बनाए, 5 विकेट निकाला, 20 मैच में 428 रन, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस मैदान पे भी निक मैटसन ने नहीं करी। वेस अगर एंड हेनरी थॉर्टन के सामने निक मैटसन थोड़ा सा फंसते भी हैं, मुझे लगता है आज के मैच में ना निक मैटसन जल्दी परमिनेंट लौट जाएंगे, ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे, तो निक मैटसन को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए भाई साहब को, क्या करो, बाहर करो। सोन मार्श की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 281 रन बनाए, मैचेस कम खेलते हैं लेकिन जब भी खेलते हैं सोन मार्श हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करके देते हैं। 389 रन बना चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के सामने, कौन, सोन मार्श। 23 मैच खेला डॉगलैंड के मैदान पे, 517 बनाए, तो डॉगलैंड के मैदान पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकता। वेस अगर बेन मेनांती एंड कैमरून बॉयज के सामने थोड़ा सा फंसते हैं, कौन, सोन मार्श, और मुझे लगता है आज की भी मैच में ना जो सोन मार्श है जल्दी पवेलियन लौट जाएंगे 2-4-5-10 रन बना के, तो आई थिंक सोन मार्श को भी ना अपनी टीम में आज के मैच में हमें जगह नहीं देनी चाहिए। जोनाथन वेल की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 283 रन बनाए, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं क्योंकि पांचवें नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, वहां पे 283 रन बनाना बढ़िया है। 154 रन बना चुके हैं किससे, एडिलेड के सामने, इससे पहले एडिलेड के सामने, हालांकि जोनाथन वेल्स का जो आंकड़े हैं वो खराब है। 7 मैच खेला डॉगलैंड के मैदान पे, 201 रन बनाए, 7 मैच 201 रन, मेरे हिसाब से पांचवें नंबर के बल्लेबाज के हिसाब से मैं बोलूंगा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करिए, किसने, जोनाथन वेल्स ने। कैमरून बॉयज एंड हेनरी थॉर्टन के सामने फंसते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना जोनाथन वेल्स को टीम में जगह देनी चाहिए। मुझे लगता है जो जोनाथन वेल्स होंगे बढ़िया पारी खेलेंगे, बढ़िया पारी खेलने का मतलब है फिनिश अच्छा करेंगे, 40-50 रन या 35-50 के बीच में रन मारेंगे, तो जोनाथन वेल्स को अपनी टीम में जगह दे देनी चाहिए आज के इस मैच में। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बिल सदरलैंड की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 149 रन बनाए, 6 विकेट निकाला, ये जो 6 विकेट निकाले ना इसी सीजन निकाले थे, इस सीजन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बिल सदरलैंड, और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करके दे रहे हैं मेलबर्न रेनेगेड्स को। एडिलेड के सामने अभी तक 84-84 रन बना चुके हैं, 4 विकेट निकाला, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत नीचे करते हैं, गेंदबाजी थोड़ा सा कम करते हैं। डॉगलैंड के मैदान पर 18 मैच खेला, 237 रन बनाए, 17 विकेट चटकाए, मतलब यहाँ पे एक आता विकेट बल्लेबाजी का कभी नंबर आता कभी नहीं आता, उसको हटा ही दो। बेन डगट एंड जेम्स बैजली के सामने थोड़ा सा फंसते जरूर, कौन, बिल सदरलैंड, लेकिन मुझे लगता है बिल सदरलैंड आज के मैच में आपको बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने का मतलब है एक आता दो विकेट चटकाएंगे और बल्लेबाजी से भी 20-25-30 रन की पारी खेल सकते हैं, तो
इनको भी अपनी टीम में जगह जरूर दें। किसको? बिल सदरलैंड को। अगर दो तीन टीम बना लेना तो इन भाई साहब को एकाता में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो 20-25 की पारी में बोल रहा हूँ ये 40-50 की हो सकती है, एक दो जो विकेट बोल रहा हूँ वो दो तीन भी हो सकती है। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो बिल सदरलैंड को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। टॉम रॉजर्स की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 14 विकेट निकाला, ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, 6 विकेट ले चुके हैं किसके? एडलीड के सामने, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। डॉकलैंड मैदान पे 17 मैच खेला, 22 विकेट चटका है, मतलब यहां के मैदान पे एकाधा विकेट ले लेते हैं, कभी कभी दो विकेट, और मुझे लगता है आज की भी मैच में एकाधा विकेट मिलेगा टॉम रॉजर्स को। हो सकता है ज्यादा विकेट ना मिले तो टॉम रॉजर्स को आज के मैच में अपनी टीम में हमें जगह नहीं देनी चाहिए। केन रिचर्डसन की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 12 विकेट चटका है, जिस तरह के गेंदबाज है उस तरफ से जो आंकड़े हैं ना वो नया नहीं दिखा रहे, क्योंकि 10 मैच में 12 विकेट थोड़ा सा कम है। 18 विकेट चटका चुके हैं एडलीड के सामने, से एडलीड के सामने जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा बेहतर है, 31 मैच खेल चुके हैं डॉकलैंड के मैदान पे, 41 विकेट चटका है, इस मैदान पे खेलने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है केन रिचर्डसन आज के मैच में ना जबरदस्त गेंदबाजी करेंगे, मुझे लगता है 2-3 विकेट आज तो पक्का लेके जाएंगे, या फिर हो सकता है कि 3 को 4-5 में भी तब्दील कर सकते हैं। तो केन रिचर्डसन को अपनी टीम में रखें, अगर कोई गेंदबाज को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करने का सोच रहे हैं तो आज केन रिचर्डसन को आप कर सकते हैं टीम में रखने के साथ इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। बाकी एडम जंबा की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 15 विकेट चटका है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, 19 विकेट ले चुके हैं किसके? एडलीड के सामने, तो एडलीड के भी सामने आंकड़े जंबा के अच्छे हैं। 8 मैच खेला डॉकलैंड के मैदान पर, 11 विकेट चटका है, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन जंबा के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, और मुझे लगता है 2-3 विकेट जंबा आज के मैच में फिर से चटकाएंगे। तो इतना सा लौंडा है, साइज मत देखना, कमाल देखना इसका, एडम जंबा को आज के मैच में अपनी टीम में जगह हमें देनी चाहिए। मैं दोस्तों अगर हम यहां पे मुजीबुर रहमान की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 13 विकेट चटका है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, 3 मैच खेला एडलीड के सामने, 4 विकेट चटका है, तो एडलीड के भी सामने जो इनके आंकड़े बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। 4 मैच खेला डॉकलैंड स्टेडियम पे, 6 विकेट चटका है, तो डॉकलैंड में भी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक आधा विकेट मिलेगा मुजीब को, ज्यादा विकेट ना मिलेगा तो मुजीबुर रहमान को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। डी आकी शॉट की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 159 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी के साथ और 3-4 विकेट भी चटकाए, मतलब बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, साथ में थोड़ा बहुत गेंदबाजी करके कभी कभी एक आता विकेट भी चटका देते हैं डी आकी शॉट। 289 रन मेलबर्न रेनेगेड के सामने चटका बना चुके हैं और 5 विकेट भी ले चुके हैं, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है डी आकी शॉट ने रेनेगेड्स के सामने। 6 मैच खेला है डॉकलैंड के मैदान पे, 131 रन बनाए, 3 विकेट निकाला, तो ठीक है 6 मैच में, मतलब बहुत खराब भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं, 25-30 की पारी ये खेल देते हैं। हालांकि एडम जंपा, केन रिचर्डसन एंड मुजीबुर रहमान के सामने थोड़ा सा फंसते हैं डी आकी शॉट, और मुझे लगता है आज के मैच में ना हो सकता है गेंदबाजी ना भी करें, करेंगे तो विकेट भी ना मिलेगा, बल्लेबाजी में भी ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे, कौन? डी आकी शॉट। तो डी आकी शॉट को आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं रखनी चाहिए। वही दोस्तों अगर हम यहाँ पे मैथ्यू शॉट की बात करें तो भाई साहब ना आखिरी के 10 मैच में 298 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी के साथ, 6 विकेट निकाले, कमाल की फॉर्म में, मतलब जो 2-3 मैच खेला ना दोनों मैचों में जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ साथ जबरदस्त गेंदबाजी करी, किसने? मैथ्यू शॉट्स ने। 208 रन बना चुके मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने, 5 विकेट भी ले चुके हैं जबकि ज्यादा मैचेस नहीं खेले डॉकलैंड मैदान पे, 4 मैच खेला 112 रन बनाए, 2 विकेट निकाला, हालांकि इस मैदान पे जो आंकड़े हैं उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, किसके? मैथ्यू शॉट्स के। केन रिचर्डसन, एडम जंपा एंड फिलिप शॉट के सामने फंसते जरूर है, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में मैथ्यू शॉट खेल रहे हैं ना, मुझे लगता है आज के मैच में ना वही 50-60-70 रन की पारी, एक आता 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए, मतलब जबरदस्त तरीके से आपको पॉइंट्स देने वाले हैं, तब जबरदस्त तरीके से पॉइंट्स देंगे तो भाई साहब को टीम में रखना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल रखो, रखने के साथ एक चीज और कर सकते हो, पता चल गया, हाँ चल ही गया होगा, कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, किसको? मैथ्यू शॉट को। क्रिस लिन की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 240 रन बनाए, 240। क्रिस लिन की कहानी पिछले 1-2 सालों से यही चल रही है, एक आता मैच में चलेंगे तो 2-3 मैच में थोड़ा सा फ्लॉप भी हो जाते हैं। 381 रन बना चुके हैं किसके? मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने। कितना? 381 रन, तो ठीक ठाक खेलते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने क्रिस लिन। 7 मैच खेला 178, 178 रन बनाए, कहां पे? डॉकलैंड के मैदान पे। किसने? क्रिस लिन ने। केन रिचर्डसन एंड एडम जंपा के सामने क्रिस लिन थोड़ा फंसते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में बहुत लंबी पारी तो ना खेलेंगे, लेकिन 35 रन, 40 रन या 45 रन, हो सकता है 50 रन ताबड़तोड़ मार के जाएंगे, कौन? क्रिस लिन। तो क्रिस लिन भाई साहब को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए, किसको? क्रिस लिन को। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे जैक वेदरलैंड की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 189, 189 रन बनाए, यानी इनकी जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा खराब चल रही है। 386 रन बना चुके किसके? मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने। तो रेनेगेड्स के सामने ठीक ठाक बल्लेबाजी करी है जैक वेदरलैंड ने। 7 मैच खेला है डॉकलैंड के मैदान पे, 164, 164 रन बनाए, मतलब वही 25-30 की पारी, ज्यादा लंबी पारियां नहीं खेल पाते।
टॉम रोजर्स, मुजीबुर रहमान, एडम जंपा के सामने जैक वेदरलाड थोड़ा सा फंसते भी हैं। मुझे लगता है आज की मैच में ना तो जैक वेदरलाड है बरस ना पाएंगे, यानी रन ना बना पाएंगे, तो जैक वेदरलाड को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। एडम हॉज की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 268 रन बनाए। एडम हॉज भी थोड़ा सा रनों की खोज में है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं कर पाए जो दो मैच खेला। एक मैच खेला मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने, 33-33 रन की पारी खेली थी, मतलब शुरुआत इनको अच्छी मिल गई थी लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए थे। केन रिचर्डसन के सामने थोड़ा सा फंसते भी हैं एडम हॉज, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में जो एडम हॉज की खोज है रनों बनाने की वो थोड़ा सा पूरी हो सकती है। मुझे लगता है 35-40 रन, मतलब 40-60 के बीच में स्कोर कर सकते हैं कौन, एडम हॉज। तो एडम हॉज को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। मैं दोस्तों अगर हम यहाँ पे हैरी नेल्सन की बात करें तो इन भाई साहब ने आखिरी के 10 मैच में 169 रन बनाए। इनको मुझे लगता है सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए रखा जाता है, बल्लेबाजी बहुत ही नीचे कराई जाती है इनसे। 82-82 रन बना चुके किसके, मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने, जो कि अच्छा है ना जी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दो मैच खेला डॉगलैंड के मैदान पे, 42-42 रन बनाए, दो मैच 42 रन, इनके हिसाब से ना बहुत बेहतर है भैया दो मैच 42 रन, क्योंकि इतना नीचे बल्लेबाजी करते हैं, 7वें नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे, कभी बल्लेबाजी का नंबर आता है कभी नहीं आता। टॉम रोजर्स, मुजीबुर रहमान और केन रिचर्डसन के सामने थोड़ा सा फंस भी जाते हैं हैरी नेल्सन, और मुझे लगता है आज के मैच में बल्लेबाजी नीचे करेंगे, हो सकता है चले भी ना या 2-4 गेंदें मिले, तो मतलब बल्ले से पॉइंट्स नहीं देने वाले, सिर्फ विकेट कीपिंग से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे देंगे हैरी नेल्सन। विकेट कीपर मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हैरी नेल्सन को आज के मैच में अपनी टीम में जगह हमको नहीं देनी चाहिए। जैमी वर्डन की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 141 रन बनाए, 15 विकेट निकाला। अगर हम यहाँ पे देखें सभी मैचों में 1-2 विकेट और बल्लेबाजी का नंबर आता, थोड़ा कभी कभी स्लो खेल जरूर जाते हैं लेकिन 30-35 रन ठोक भी जाते हैं, चाहे स्लो मारे तेज मारे, बात तो रन बनाने की है ना। और मुझे लगता है आज की भी मैच में ना ऐसी परफॉर्मेंस जैमी वर्डन फिर से दोहराएंगे, 1-2 या 3 विकेट ले जाएंगे, बल्लेबाजी करने आएंगे, 35 रन 25 रन 30 रन बना देंगे, क्या पता 40-50 रन भी बना दे। इसलिए जैमी वर्डन को आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए, जगह देने के साथ साथ जैमी वर्डन को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पॉइंट्स तो अच्छे देंगे, क्या पता बहुत अच्छे पॉइंट्स देते हैं, तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी इनको ट्राई कर सकते हैं। जेम्स बेजली की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 119 रन बनाए, 9 विकेट चटकाए, तो जेम्स बेजली भी मतलब ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं ऐसा भी नहीं कहेंगे। 64-64 रन बना चुके हैं, 4 विकेट ले चुके हैं किसके, मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 2 मैच खेला, 34 रन बनाए, 1 विकेट लिया, कहां पे, डॉगलैंड के मैदान पे, तो इस मैदान पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे लगता है आज के मैच में ना तो बल्लेबाजी से कुछ उखाड़ पाएंगे, गेंदबाजी करने आएंगे, मानता हूं एक आधा विकेट मिल जाए, हो सकता है वो भी ना मिले, किसको, जेम्स बेजली को, महंगे अलग से साबित होंगे, तो जेम्स बेजली साहब को ना बाहर भेजो, इनको अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। वेस अगर की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 13 विकेट चटका है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने 12 विकेट ले चुके हैं, जिसे मैं ठीक ठाक कहूंगा। 5 मैच खेला है डॉगलैंड के मैदान पर, 6 विकेट निकाले, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं करी है गेंदबाजी, लेकिन आज लगता है 1-2 या 3 विकेट वेस अगर लेके जाएंगे तो वेस अगर को आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। डेविड मियान की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 14 विकेट लिए, अगर आज के टाइम पे एडिलेड के लिए सबसे बढ़िया कोई गेंदबाजी कर रहा है ना तो वह है डेविड पियान। 1 मैच खेला मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने, इससे पहले 1 विकेट चटकाया था, मुझे लगता है आज के मैच में ना ये भाई साहब 2-3 विकेट ले जाएंगे, तो इनको टीम में जरूर रखें, क्या पता 4-5 विकेट भी चटका सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं ना तो टीम में रखने के साथ साथ डेविड पियान को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। कैमरून वॉयस की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 10 विकेट निकाले, तो जो इनकी परफॉर्मेंस है अच्छी नहीं है, बस एक आधा विकेट सभी मैचों में मिल जा रहा है, 7 विकेट चटकाए किसके, मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने, तो रिकॉर्ड यहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। 16 मैच खेला डॉगलैंड के मैदान पे, 20-20 विकेट चटकाए, तो डॉगलैंड के भी मैदान पे कैमरून बॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं है, तो मेरे बॉयज कैमरून बॉयज को थोड़ा सा बाहर कर दो, इनको अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। तो भैया हमने यहाँ पे ना सभी प्लेयर्स के बारे में जान लिया, किन की परफॉर्मेंस आज के मैच में अच्छी हो सकती है, कौन हो सकता है फ्लॉप। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में। बाकी आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हो तो भैया इंतजार हुआ खत्म, ये रही मेरी टीम में, जो मैंने टीम बनाई है ना बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई है, अगर आप इसके साथ जाएंगे ना तो आपके विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। बाकी अगर आपको इस मैच की 2-3 टीम चाहिए तो बस आप एक काम कर दो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो, या फिर जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है ना वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अप्सर इन फैंटेसी के नाम से मेरा टेलीग्राम है, मैच स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले आपको मेरे टेलीग्राम पर विनिंग टीम मिलती है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच प्रीव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।